Hey guys, this is स्वागत है आपका ब्लास्टर न्यूज में। तो आज हम बात करने वाले यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बहुत ज्यादा सैड न्यूज के बारे में। तो भाई हॉलीवुड एक्टर चैडविक जिन्होंने ब्लैक पैंथर जैसी बड़ी मूवी हमें थी, तो भाई आज उनकी डेथ हो गई 43 की एज में, जिसका रीजन बताया जा रहा है कि 4 साल से उनको कॉलन कैंसर था, जिसकी वजह से आज उनकी डेथ हो गई 43 की एज में। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हम बात करेंगे लक्ष्य चौधरी वर्सेस एमएस के व्लॉग्स के बारे में। तो भाई दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो भाई कुछ दिन पहले लक्ष्य चौधरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो बात किए फेक व्लॉगर्स के बारे में, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं अपने व्लॉग्स में, लेकिन या तो वो उस गाड़ी को मांग कर लाते हैं किसी से या किराए पर लेके आते हैं, एंड अपने व्लॉग्स में वो अपना बताते हैं। एंड भाई उस वीडियो में उन्होंने एमएस के व्लॉग्स का एक थंबनेल यूज कर लिया, जिसके बाद से भाई लक्ष्य चौधरी के फैंस एमएस के व्लॉग को हेट वगैरह देने लगे, जिसके बाद एमएस के व्लॉग ने रिप्लाई किया उनको एंड लक्ष्य चौधरी ने अपने वीडियो से वो पार्ट ट्रिम कर दिया। तो भाई लक्ष्य चौधरी इसके बारे में अपने सेकंड चैनल पर बात की और ये कहे कि है वैंचुर लोग इंटेंट बदल के कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते वैंचुर। आज भी सार्केस्टिकली मैंने कुछ स्क्रीनशॉट यूज करे थे कीवर्ड डाल के, वो क्या था मोस्ट एक्सपेंसिव एक की गांड जल की वैंचुर बिना मतलब में मेरे क्यों ले लिया मेरे क्यों। अबे डाल रहा है मोस्ट एक्सपेंसिव टाइटल तो भाई झेलना फिर उसको। तो भाई इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए एमएस के व्लॉग ने कुछ ये कहा, ये आजकल के छोटे दिमागी कंटेंट से पैदल रोस्टर को बात समझ में नहीं आती। मुझे लगा मैटर सॉल्व हो गया, खत्म हो गया है। बंदे ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो बता रहा है कि कुछ ब्लॉगर हैं जो मिसलीड करते हैं। है भाई सही लोग करते हैं, अब वीडियो का कॉन्टेक्स्ट है कि मिसलीड करते हैं, तो वही मटेरियल यूज करो जो लोग मिसलीड करते हैं। आप किसी का थंबनेल यूज कर रहे हो, अगर वो मिसलीड नहीं कर रहा उसकी जलेगी और जली। तो भाई अगर तूने मेरा वीडियो नहीं देखा है, सिर्फ टाइटल थंबनेल देखे मेरा वीडियो उठा लिया तो ये गलत है, सॉरी बोल के बात खत्म कर देता। लेकिन नहीं, इंटरनेट पे गाली गलौज करनी है इनको। अबे नकली आदमी, अगर इंसान तेको गाली देना है तो ऐसे सामने आके गाली देना, असली अपने व्लॉग सब असली है ब्रो। तो जाके अपने सारे व्लॉग देख, अगर कोई भी तेको नकली चीज लगी ना तो फिर पॉइंट आउट कर, बात समझ में आती है। मेहनत से बनाया है भाई यहाँ पर, ऐसे नकली नकली चीज दिखा के नहीं लाया, मेहनत किया है। और ये आके कुछ भी बोल दे और गाली वाली तो यार, और ये गाली वाली देना सबको आता है यार। अपन प्रेफर करता है सामने सामने, सामने मिलूंगा तो गाली दे तो मैं समझूंगा कि दम है। इंटरनेट में ना कोई भी उछल सकता है, और मेरे को 110% पता है कि इसकी लाइफ ऐसा मतलब चूहा होगा, ये सामने सामने कुछ नहीं होगा। सामने सामने आके गाली दे फिर हम तुमको जवाब देंगे कानूनी तरीके से, ठीक है। इंटरनेट पे डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा है कि भाई हेट नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है। भैया हेट है, तुमको लगता है कि तुम कंटेंट बना रहे हो, तुम कंटेंट नहीं बना रहे हो। जो बना रहे हो ना, ये कोई भी बनाएगा ना व्यूज उसको मिल जाएंगे, वो तुम नहीं, कोई भी आके अपना जो कर रहे हो ना, कोई भी करेगा उसका बढ़ जाएगा कंटेंट। मतलब क्या क्या मैं कहूँ इनके, मतलब ठीक है यार, मतलब नहीं पढ़ना चाहता था लेकिन क्या है ना, थोड़ा थोड़ा इंस्टिंक्ट हो गया। मैं गाली कैसे दे दिया बंदे ने, बात में कर रहा था मैंने, सही सही से बात किया, मैच्योर्ड की तरह बात कर तो समझ में आता है यार, गाली गलौज कर रहा है बेवकूफ। देन एमएस के व्लॉग ने अपने इंस्टा पर एक फोटो अपलोड किया जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन लिखा, जो बोलता हूँ लाला मैं असलियत में जीता हूँ। एंड भाई इसको रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ने कुछ ये कहा, नहीं मिलेगा क्लाउट, आजकल बिजी हूँ मैं। तो भाई इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड अगर कोई नए अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई चलिए हम बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो भाई ध्रुव राठी का एक नया शो स्टार्ट हो गया है नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल पर, जिसमें वो नेटफ्लिक्स के शोज वगैरह को रिव्यू करके उनका इम्पैक्ट बताएंगे ऑडियंस को, एंड उनका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गया नेटफ्लिक्स के चैनल पर। तो अगर आपको वो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो भाई चलिए अब हम बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो भाई एल्विश यादव ने अपने इंस्टा पर अपडेट करते हुए बताया कि उनका नेक्स्ट रोस्ट जो आने वाला है वो होगा कॉफी विद करण पर एंड रिया चक्रवर्ती के ऊपर। तो भाई देखते हैं उनका ये रोस्ट वीडियो कब तक आता है। ऑल्सो राउंड टू हेल ने भी अनाउंस किया है कि उनका न्यू वीडियो आने वाला है जल्द ही। तो यार आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ठोको लाइक, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।